तो यार पहली दुकान पे गए और पोपट हो गया। What's up guys, welcome back to my channel. Thanks a lot for supporting the previous video. यार मतलब बहुत सारे लोगों ने DM किया, comment भी किया कि भाई हिमांशु को वीडियोस में और दिखाओ, तो बिल्कुल आप लोग की फरमाइश पूरी होगी और महंगे लाइफस्टाइल वाले लोगों को हम अपने वीडियो में लाते रहेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो गाइस तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता रहेगा और वीडियोस बनाने के लिए। मुझसे एक गलती हो गई पिछले वीडियो में, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको दिखाऊंगा मेरा GoPro का सेटअप कैसा दिखता है, तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाया था, मैं भूल गया उसको दिखाना, तो इस वीडियो में दिखा देता हूँ। मैंने जो GoPro ऑर्डर किया था और उसके साथ जो केजिंग मंगाई थी वो कुछ इस तरीके से दिखती है। कंटिन्यू करने से पहले अगर बैकग्राउंड में आवाज आ रही है तो उसके लिए आई एम जेन्युइनली सॉरी। आसपास बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, दिन में कंस्ट्रक्शन, रात में कुत्ते, इन दो लोगों की वजह से जिंदगी बर्बाद है एकदम, मतलब और क्या ही बोलू। ये देखो सुनो, बंद हो गया। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, मैं बता रहा था आपको इस सेटअप के बारे में। ये प्रॉपर केज के साथ GoPro इस पर फिट हो जाता है, मैंने केबल भी मंगाई थी जिससे माइक अटैच होता है, माइक अभी इस पे लगा हुआ है, वो आप यहाँ ऊपर अटैच कर सकते हो, आप साइड में भी अटैच कर सकते हो, पर अगर आप साइड में अटैच करोगे ना तो वो फ्रेम में आता है और अच्छा नहीं लगता है। ये एक्चुअली उन्होंने दिया हुआ है लाइट लगाने के लिए, तो दिस इज हाउ द सेटअप लुक्स लाइक। ये मोनोपॉड मेरे पास पहले से था। अब ये जो पूरा खर्चा किया गया था ना, ये किस लिए किया था, ये किया था अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, और ख्वाहिशें थी मोटो व्लॉगिंग करने के लिए। वो ख्वाहिशें अब मुझे लगता है ख्वाहिशें रह जाएंगी, क्योंकि उसके साथ हो रही है बहुत बड़ी प्रॉब्लम अब हो गई है हेलमेट में। दिखा देता हूं आपको, हेलमेट ये रखा हुआ है, एक मिनट। तो ये मेरा हेलमेट है, पिछला जो मैंने शॉट लिया था वो मैंने यहां पर माउंट करके लिया था, पर मोटो व्लॉगिंग में सजेस्टेड क्या होता है ना कि जो आपका कैमरा हो वो आपके चिन पे सेटअप हो, और मेरे चिन पे ये लगा हुआ है एयर वेंट, इसके ऊपर लग ही नहीं पाएगा, तो मैंने वो माउंट निकाल के ना यहाँ ऊपर लगा दिया। ऊपर के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है, मज़ा नहीं है, दैट्स द ओनली रीज़न। यहाँ पर शॉट लेने का मज़ा तब है जब आप सीनिक ब्यूटिक में जाओ, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, तब जब आप 360 डिग्री व्यू, 180 डिग्री व्यू देखोगे तब आपको मज़ा आएगा कि भाई हाँ क्या व्यू है, तब कुछ अच्छा फील आएगा, पर शहर में इसके साथ फील नहीं है। मुझे पर्सनली यहाँ पर चाहिए, जो इस हेलमेट पर नहीं हो पाएगा। और उसके साथ हो गया एक और कांड, ये हेलमेट गया है टूट, तो शायद मुझे हेलमेट भी चेंज करना पड़ेगा, ऐसे इतने खर्चे हो रहे हैं यार, उस पर से एक खर्चा ही और आ गया, तो देखता हूँ अभी, सोच रहा हूँ इसको रख देते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बता देता हूँ, ये उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ा सा इंटरेस्ट है मेरे बारे में जानने में, कि मैं और मेरी मम्मी बेसिकली जो मेरे को हर वीडियो में देखती हैं, अभी उनके लिए सबसे अच्छा एंटरटेनमेंट पर्पज़ यही है कि भैया रोज वीडियो कॉल में बात नहीं हो पा रही, तो मेरे वीडियोज ही आ जाते हैं, उसी से पता चल जाता है घर में क्या चल रहा है। माय मॉम इज़ इन लखनऊ, आई एम इन बैंगलोर, कोविड सिचुएशन, घर हम जा नहीं पाए, हम यहीं पर हैं। तो मम्मी ने वीडियोस देखे और मम्मी ने बोला ये क्या ऊटपटांग चीज़ों में खर्चा करते रहते हो, कैमरा खरीदते रहते हो, ये वो फिजूल खर्ची करते हो। होता है ना, आपके साथ भी होता है ना, आप कोई भी चीज़ ले लो, कुछ भी ले लो यार, मतलब कोई भी अपनी पर्सनल ख्वाहिश के लिए सामान खरीदो, कुछ भी करो, मम्मी पापा बहन भाई किसी ना किसी को ना तो उससे प्रॉब्लम है कि भाई इसने ये ले लिया, ये तो कमाने लगा है, तो अब ऐसे करने लगा है, ये खर्चा करता है, वो खर्चा करता है। मैंने ये चीज़ें बहुत सुनी है, जब मैंने जूतों का शौक शुरू किया था उसमें मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुई। मम्मी जब पहली बार बैंगलोर आई तो मम्मी को ऐसा झटका लगा कि भाई ये क्या है, पहनने तो एक ही जूते हैं। तो मेरा भी जवाब था, क्योंकि हमने मम्मी से पूछा, मम्मी क्या हो गया, साड़ी तो आपके भी वार्डरोब में 500-600 है, पर पहनती तो आप भी दिन में एक ही हो, और जब भी कोई ओकेजन होता है उसके हिसाब से ही पहनते हो ना कपड़े, तो भाई हम जूते उस ओकेजन के हिसाब से पहनते हैं। पर हाँ, कपड़ों और जूतों का मैं जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा, क्योंकि भाई कुछ भी हो, मम्मी और पापा से आप अपने डिबेट नहीं जीत सकते हो, और कुछ लोग ये बात भी अग्री करेंगे वो अपनी बीवियों से नहीं जीत सकते हैं, पर अभी मेरी शादी हुई नहीं है, तो मैं उन खुश किस्मत लोगों से हूँ कि मुझे वो डिबेट अभी नहीं करनी पड़ रही है। क्या करूँ इसका, क्या करूँ, मार भी नहीं सकता। तो यार बस इतनी सी स्टोरी थी मम्मी के साथ, अभी थोड़ी देर में आपको मिलता हूँ और बताता हूँ कि हेलमेट के साथ क्या सीन करने वाला हूँ, अभी नहीं सोचा है, तो वीडियो के एंड तक शायद आपको पता चल जाएगा, या तो हेलमेट आएगा या हेलमेट नहीं आएगा। वेट एंड वॉच। 1 hour later. हेलमेट चाहिए जिसमें ये लगे, लग नहीं रहा है इस हेलमेट में, इसका ये खराब है, मतलब इस पे माउंट नहीं हो पाएगा, वेरी डिफिकल्ट। हाँ तो ये एयर वेंट की वजह से ना, तो मदद पी आप पीजिए, तो वही वाला दो बट साइड में वो चाहिए, माइक्रोफोन माइक लगाने के लिए भी।
वो से भी नॉर्मली इसमें तुम एक्सल में हो जाता है। वंशु कितना आसान है मेरी बाइक पे बैठना, तो यार पहली दुकान पे गए और पोपट हो गया क्योंकि हेलमेट मिला नहीं, क्या करें। और ये एक और शॉप है लेआउट, और मैं यहाँ पे सिर्फ देखने जाऊँगा, यहाँ से मैं ख़रीदूँगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही उल्लू बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस में रहता है क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा शोरूम खोल रखा है। एक्चुअली एक शॉप और है जो थोड़ी दूर है, तो वो आज नहीं हो पाएगी, ये तो घर के बहुत पास है, तो मैंने कहा चलो देख के आते हैं एक बार देख लेते हैं। उसका नाम हाथी नहीं है, हिज नेम इज ब्रॉक द बीस्ट। तो अगली बार मेरे बाइक को तुमने हाथी बोला है, कुछ भी बोला, तो फिर मैं व्हील या स्टॉप ही मारना भी मेरे को आता है, याद रखना। बैक टू होम, सेम स्पॉट, और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता देता हूँ, दोनों शॉप पे गए हेलमेट पता करने के लिए पर काम नहीं बना, पर एक्चुअली एक काम अच्छा हो गया। जो मेरा अभी हेलमेट है जो मैंने आपको बताया था अभी कि ये टूट गया है, एक्चुअली ये टूटा नहीं है, अंदर से इसका कुछ भी डैमेज नहीं हुआ, सिर्फ ये ऊपर की क्लिप निकल गई है, तो ये हेलमेट अभी भी एकदम परफेक्ट कंडीशन में है, इसको यूज़ किया जा सकता है। मम्मी ने अगर वीडियो यहाँ तक देखा तो मम्मी बहुत खुश हो जाएंगी, खर्चा नहीं हुआ, कोई और फिजूल खर्ची मैंने नहीं करी, तो इसको मैं फेविक्विक से जोड़ दूंगा। पर हाँ, जो प्रॉब्लम थी जिससे ये माउंट नहीं हो रहा था ना प्रॉपरली, उसका भी मैंने एक सलूशन ढूंढ लिया है, तो वो मैं आपको अभी आने वाले वीडियोज़ में दिखा दूंगा, क्योंकि उसके लिए कुछ एक दो छोटी छोटी सामान है जो मैंने ऑर्डर कर दिए हैं, वो आ जाएंगे तो हो जाएगा। पर तब तक के लिए मोटो व्लॉगिंग एक सपना ही है मेरे लिए, पता नहीं कब कर पाऊँगा, कब मौका मिलेगा, तो आप लोग प्लीज़ चैनल पर वेट करो थोड़े टाइम तक, ज़रूर जैसे ही पूरा सेटअप कम्प्लीट होता है वैसे ही मिल जाएगा। भाई देखो, ऑडियो का कुछ नहीं कर सकते, इसको मैं बंद नहीं करा सकता, और कुत्ते तो मैं बिल्कुल भी नहीं भगा सकता, क्योंकि क्या करें, मुझे भी कुत्तों से बहुत प्यार है, तो रात में आते हैं, उनको खाना वाना दे देता हूँ मैं, तो यार उनसे भी इमोशनल अटैचमेंट है, तो इसको बेयर करना पड़ेगा आप लोगों को। चीयर्स। तो यार वीडियो में बस इतना ही, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और मोटो ब्लॉगिंग बहुत जल्द करने वाला हूँ, तो बी पेशेंट, डोंट वरी, आएगा, भरोसा रखो मुझ पे। अभी संडे को मिलूँगा आपको, बाय। और हाँ, दो मुसीबत बताई थी ना, एक तो ये कंस्ट्रक्शन की आवाज़ और एक ये कुत्तों की आवाज़, तीसरी सुन लो, दिखाता हूँ। कितना फुटेज चाहिए? ये तीसरा, ये भाई वीडियो शूट कर रहा हूं, शांति चाहिए, तेरे बेसुरे गाने सुनने नहीं है मेरे को, नहीं सुनने हैं, क्यों फुटेज चाहिए तेरे को हर वीडियो में मेरे? मैं राम से बैठ करके यहाँ पे गाना सुन, तो तुझे पता है ना मैं रूम में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको पता, इसको जानबूझ के कर रहा है, क्योंकि इसको पता है मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरे को बार बार टेक लेने पड़े ना, इसलिए ऐसा करता है।